नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं कुरसेला के वार्ड नंबर 12 में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है कोसी न्यूज चैनल पर, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज वार्ड नंबर 12 की स्थिति। पहले आप देख ले कि ये एक पक्की सड़क है, यहां तक आपको दिखाई दे रही होगी ये एक पक्की सड़क है। और एक पक्की सड़क की हालत क्या है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ तक पूरे गाँव तक जो है पक्की सड़क गई हुई है। आपको आगे जाते ही समझ में आ जाएगा कि ये पक्की सड़क है या पूरा नाली। ये पक्की सड़क की हालत है। कुरसेला वार्ड नंबर 12 नगर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से गंदे नाली की पानियाँ सड़क पर फंसी है, और जो गड्ढे में गंदी गंदी चीज़ें फेंकी जा रही थी वो अब रोड पे आ चुकी है। और देख सकते हैं आप कितनी गंदी यहाँ पर पानी बह रही है, फंसी हुई है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये पानी का रंग जो है पूरा काला हो चुका है। मकान तो बनी हुई है, लेकिन जब सड़क की व्यवस्था सही ना हो तो मकान खुद ब खुद छोड़नी पड़ जाती है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ ताला लगा हुआ है मकान पर। क्यों लगा हुआ है ताला? इस गंदे पानी से कितनी बड़ी बीमारियाँ फैल सकती है ये आपको तो मालूम ही होगा। और लोग अपने घर तक छोड़ने के लिए मजबूर है, इसलिए कि ये गंदे पानी में नहीं रहना चाहते। अगर बच्चे हैं तो वो बाहर किस तरह निकलेंगे, घर में तो नहीं रहेंगे बंद। इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरन यहाँ पर बसे हुए हैं, रहे हुए हैं। कारण है उनको, और कहाँ जा सकते हैं वो अपने गांव छोड़कर। और आपको ये गंदा पानी का एक नज़ारा भी दिखा देता कि कितनी गंदी पानी है यहाँ। जो अगर कोई भी एक छोटा सा नेता को भी उतार दिया जाए तो इस पानी में घुसना नहीं चाहेंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो है किस तरह से इस पानी में हर रोज़ आवाजाही कर रहे हैं। और कोई रास्ता भी नहीं है आवाजाही करने की, बस इसी रास्ते से खान पीन का सामान आ जाता है। बच्चे तो बीमार पड़ ही रहे हैं, और आप पानी से पता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। और यह नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 की व्यवस्था, लोग परेशान हैं। और इसका कारण ये है कि जब ढलाई की जा रही थी तो बहुत निचले स्तर से ढलाई हुई है, और अगर ये सड़क ऊंचा होता तो यहाँ पानी नहीं फंसता। और नाले की व्यवस्था के बारे में बताया जाता है तो यही बताया जाती है कि समय लगेगा, जब तक बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब बीमार पड़ चुके होंगे तब तक यहाँ नाला बनाया जाएगा, और फिर व्यवस्था सही होगी, शायद होगी भी या नहीं। जो स्थिति है देखिए, कितने गंदे पानी, नाले के पानी यहाँ फंसी हुई है। जहाँ कहीं कोई भी राजनेता, मतलब कि जो यहाँ के नेता है वो देखने तक नहीं आए, और कितनी गंदी पानी फंसी हुई है। बगल में घर है, आपको लग रहा होगा कि ये नाला है। मैं आपको दिखा दूँ कि कितनी पानी